नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सिर्फ दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ जानेंगे देश विदेश का हाल। तो डालते हैं सबसे पहले मुख्य सुर्खियों पर नजर। विनेश फोगाट खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाएंगी। पीएम को 2 पेज की चिट्ठी लिखी, कहा हमारे मेडल अवार्ड को 15 रुपए का बताया जा रहा। भारत पाकिस्तान के 4 युवाओं की फांसी माफ। यूएई में युवक की हत्या में बंद थे डॉक्टर एसपी सिंह ओब्राई ने दी 46 लाख ब्लड मनी। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन में ममता बनर्जी नहीं आएंगी। नीतीश लालू के भी शामिल नहीं होने की आशंका। सीताराम येचुरी पहले ही ठुकरा चुके हैं निमंत्रण। बिहार में गंगा नदी पर बनेगी 6 लेन सड़क, इसके नीचे से बड़े जहाज गुजर सकेंगे। त्रिपुरा के लिए करीब 2500 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट, 110 फ्लाइट लेट। पंजाब यूपी राजस्थान में कम विजिबिलिटी से 9 सड़क हादसे, 55 गाड़ियां टकराई, 8 लोगों की हुई मौत। 8 राज्यों में JN1 वेरियंट के अब तक 109 केस। 24 घंटे में अकेले गुजरात में 36 मरीज मिले। देश भर में आज 529 पॉजिटिव मामले, 3 की मौत। एनएसजी एनआईए इजरायली एम्बेसी पहुंची। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध दिखे। सरल्ला रेजिडेंस ग्रुप से जुड़ा लेटर मिला, इजराइल के झंडे में लिपटा हुआ था। फ्रांस से लौटे भारतीयों से गुजरात में होगी पूछताछ। अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क का भांडा फोड़ करेगी पुलिस, कहा एजेंट्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एक्टिव। लाल सागर में पाकिस्तान जा रहे जहाज पर हमला, हूती विद्रोहियों ने जिम्मेदारी ली। अमेरिका ने 10 घंटे में हूतियों के 12 ड्रोन, 4 मिसाइलें मार गिराई। फिलिस्तीनियों के शवों से लीवर किडनी चुरा रहा इजराइल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मेडिकल स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो रहे। गाजा में 24 घंटे में 241 मौतें हुई। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News India।